गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 2 ऑफ जियोग्राफी। यस्टरडे वी हैव रीड अबाउट द बेसिक थॉट्स ऑफ लैंड एंड लैंड रिसोर्सेज। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़े, ज़मीन और ज़मीन जो संपद है, विच इज़ द पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड अबायोटिक इन अबायोटिक फॉर्म्स। सो हम लोग ने देखा लैंड की व्यवहार, मतलब ज़मीन, How should I use the land? A various type of lands uses for by human beings or for technology and growing human civilizations. हम लोग कल देखें कि मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए it should be very necessary to being with land. So after that we are saying that some factors affecting land use, and that is the slope of the land, presence or absence of soil cover, the availability of surface or the underground water, the prevailing climatic conditions and the nature of rocks and mineral present in them, and most of the important in the land uses, that is the technology available. So these some were the factors affecting our land use. Maybe these factors will be for good or for bad, but we have to use the land types. Now today we are starting going from the types of land based on ownership, means ownership, owner, जो चीज़ मेरा है उसका, अब किसका है एक जगह, ओनरशिप होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, कम्युनिटी ओनरशिप होता है। तो जो चीज़ जो यूज़ कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड ओनरशिप। बेस्ड ऑन ओनरशिप लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। किस प्रकार से उस ज़मीन का व्यवहार हो रहा है, यूज़ हो रही है, और कौन इसका मेन यूज़, मैंने मतलब कौन यूज़ कर रहा है, दैट इज़ depends on private land and community land. Private land is owned by an individual. Private land जो व्यवहार करते हैं, जो व्यक्ति अपने खुद के ज़रूरत के लिए अपने जगह का, मतलब मेरा ज़मीन पे मेरा घर बना हुआ है, मैं ही इस घर का घर में रहती हूँ, then it should be called private land, individual, जो अकेले अपना ही है। एंड द वाई कम्युनिटी लैंड इज ओन बाई द होल सोसाइटी। कम्युनिटी लैंड मतलब गाँव में एक पार्क है, गाँव में एक बाग है, आम बाग, वो किसी का नहीं है, उसमें सभी लोग जाते हैं, कि गाँव में एक पार्क बनाया हुआ है चिल्ड्रंस के बच्चों को खेलने के लिए, तो उसमें तो मेरे घर का अकेला बच्चा ही जाएगा, गाँव वाले और भी जाएंगे, तो दैट इज शुड बी रिलेटेड टू कम्युनिटी लैंड और नोन एज कम्युनिटी लैंड। ओके, इन विलेजेस प्राइवेट लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़। प्राइवेट लैंड मतलब जो मेरा है, मैं उसमें एग्रीकल्चर कर सकती हूँ, मैं चाहे एक हॉस्पिटल बना सकती हूँ अगर बहुत ज़्यादा जगह है तो, मैं चाहे एक छोटा स्कूल ओपन कर सकती हूँ, मैं चाहे अपने एक गार्डन बना सकती हूँ। तो इट शुड बी डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, ऑन मी। एंड द सांचेस रनिंग अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बिल्डिंग ए हाउस कम्युनिटी लैंड इन द विलेज इज यूज फॉर कीपिंग हिज टैक्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स एक्सेट्रा। इन अर्बन एरियाज कम्युनिटी लैंड मे बी यूज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। और कम्युनिटी लैंड क्या है, गाँव में बहुत सारे कम्युनिटी लैंड यूज होता है, कभी हम लोग देखते हैं शमशान नहीं होता है ना, तो कोई जगह जमीन को सिर्फ शमशान ब्यूरियल गार्ड्स के तौर पर यूज किया जाता है, उस जगह सिर्फ शमशान ही होगा, तो शमशान में तो किसी एक का घर का लोग का डेड बॉडी नहीं जला जाएगा ना, बहुत सभी का जाएगा, वो उस टाइप में यूज होता है। कहीं पर एनिमल्स को कम्युनिटी मतलब सभी जगह के, मेरे जितना जमीन है मैं उसमें भी अपना अपने घर की गाय भैंस को पाल सकती हूँ, लेकिन कहीं पर जो कम्युनिटी लैंड है जो सबका जगह है, मैं वहाँ पर भी मेरे घर से बगल वाला गांव वाले और पर उसके घर से भी वहाँ पर जाके ग्रेजिंग और एनिमल्स को कल्टीवेशन कर सकते हैं। और गांव शहर में क्या होता है, शहर में मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी लैंड वो होता है जो कि रिक्रिएशनल मतलब एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे एक मैरिज हॉल बना के हो, चाहे पार्टीज़ के तौर पे हो, पार्टी हो रही है, मुझे पार्टी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, मेरे घर के बगल एक कम्युनिटी लैंड है तो मैं वहाँ पर चली गई, वहाँ पर तो सिर्फ मैं अकेली नहीं जाऊँगी और भी लोग आएंगे, आज मेरा ज़रूरत पड़ा मैं उस ग्राउंड का फ़ायदा उठाया, कल पड़ोस का नेबर का ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइवेट लैंड। नाउ चेंज इन लैंड यूज़। The pattern of land use has been changing with time.
समय के साथ साथ समय समझाता है कि एक जमीन का व्यवहार कैसे होगा। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, मैं कल भी बताई थी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, आबादी के साथ साथ हमें लैंड का व्यवहार बढ़ाना है। मेनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू इंक्रीज लैंड, हम बोल रहे हैं मे बी द लैंड यूजेस affecting will be good or bad। तो यहाँ पर हम कुछ बैड कंडीशंस को देखते हैं, बैड इफेक्ट को देखते हैं, वो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, आबादी को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, आज के ज़माने में ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें लैंड चाहिए। तो लैंड लेने के लिए हम देख रहे हैं कहीं कहीं जगह पर जंगल को पूरा काट के साफ किया जा रहा है अंडर कल्टिवेशन, और उसमें कल्टिवेशन करके वहाँ पर ह्यूमन्स रहने का, इंसान जिंदगी जीने के लिए एरिया सप्लाई दिया जा रहा है, बनाई जा रही उस जगह को। सिमिलरली इन विलेजेस विच आर नियर सिटीज, क्रॉप लैंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंशियल एरियाज एंड मेनी न्यू टाउनशिप हैव इमर्ज्ड इन दिस एरियाज। गांव में भी आजकल कहाँ खाली जगह पड़ा रहता है, नहीं रहता है, तो वहाँ पर उसको डेमोक्रेटिक लाने के, मतलब वहाँ पर और भी मॉडर्निस्टिक लाने के लिए उस जगह को शहर के जैसा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। कोई भी खाली खेत फील्ड आजकल खाली नहीं रहता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल ये सब बनाया जाता है। मेनी फैक्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन सेट अप, ऑल सच एक्टिविटीज आर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, और यही सारा जो करतूत है, ये सारे जो प्रभाव है वो जमीन क्यों हम क्या कर रहे हैं, खड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन बट नथिंग टू डू अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग ह्यूमन सिविलाइजेशन, वी आर just bounded in this land uses. Apart from land degradation, landslide, soil erosion and desertification are major threats to our environment. See, land, ज़मीन की खराबी ही नहीं, ज़मीन के खराब, ज़मीन जहाँ पर कृषि काम का, मतलब एग्रीकल्चर, जो ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट था, वहाँ पर हम घर बना रहे हैं, वहाँ पर हम एक हॉस्पिटल बना लिए, एक फैक्ट्री बना लिए, तो क्या हुआ, उस ज़मीन को अनफर्टिलाइज होना पड़ रहा है ना, तो ये कारण है वहाँ पर लैंडस्लाइड होना, उसके मिट्टी में खराबी आ जाना, सॉयल इरोशन होना, और भी बहुत तरीके का खराबी चीज़ हम अपना लेते हैं। बट नथिंग टू डू अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमें इसको करना ही पड़ेगा। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड, कैसे जमीन को, कल इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, हम लोग देखे थे कि संपत्ति को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कंजर्व करने के लिए वी आर ह्यूमन एट द बेस्ट रोल फॉर टू प्रूव इट ना। सो इन कंजर्वेशन ऑफ लैंड, तो जमीन वो भी एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स अनावाइटिक फ्रॉम, तो उसको भी कंजर्वेशन कैसे की जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन, कंजर्विंग एग्रीकल्चरल लैंड एज वेल एज फॉरेस्ट। सबसे अच्छा होगा कृषि काज के लिए एग्रीकल्चर और वन दफ्तर, मतलब जंगल को अगर हम सही सलामत सुरक्षित रखेंगे तो ये भी हमारे आगे चल के इन फ्यूचर, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, इन फ्यूचर कभी कभी यही सब रिसोर्स हम लोग को और भी आगे की तरफ ले जाएगा, वरना हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में आ पहुँचेंगे। फॉर दिस अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना है, ना ही उसको काटना है। प्रॉपर लैंड रिक्लेमेशन, ज़मीन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज किया जाएगा। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, चारागाह उसमें बुनना है। रेगुलेटेड ग्रेजिंग, उसको अच्छे से ग्रेज करना है, एट्सेट्रा कैन बी फॉलोड। एक ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमें कंजर्वेशन, लैंड को संरक्षित रखना ज़रूरी है। तो हम लोग का लुकआउट क्या होगा, ना ज़मीन को, कोई ख़राब ज़मीन पड़ा है उसमें हम थूक फेल के, मैल फेंक के, गंदगी फेल के उस ज़मीन का वो अनफर्टिलाइज करें। जो ज़मीन किसी भी जगह खाली पड़ा है तो उसको किस रिक्लेमेशन, मतलब उसको नए नए टेक्नोलॉजी के दौरान उसको फर्टिलाइज कराना ही हमारा जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जगह पर एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट्स, पेड़ पौधा लगा के उसको सजीवित, मतलब हरियाली देना है। तो दिट शुड बी अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड। सो चिल्ड्रेन, टूडेज दैट्स इट, वी विल गेट बैक ऑन नेक्स्ट टुमारो ऑन फ्रॉम सॉयल रिसोर्सेस। थैंक यू।